मैंने आपसे कहा कि जो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। जहाँ तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सवाल है, उन्होंने काम अच्छा किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो देखिए सदन में क्या कहते हैं, ठोक दो। एबीवीपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई छात्र संघ का, इसलिए एबीवीपी का कोशिश है कि छात्र संघ पे कब्जा हो जाए और उसी से पॉलिटिकल उनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। हम तो सरकार का ट्रांसफर चाहते हैं, कहां वीसी का ट्रांसफर चाहते हैं। काली नदी कहां जुड़ती है, पहले काली नदी साफ करें फिर कानपुर की गंदगी साफ करें। और जिस रास्ते से मैं आया हूं, गड्ढे भी हमने देख लिए, कचरा भी देख लिया, अब ये हम जानना चाहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है आपकी। अखिलेश जी, सीए को लेकर अमित शाह ने कहा कि बैकवर्ड को नहीं आएगी बीजेपी, तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटाने के लिए, पता नहीं कौन से फुट पर चली जाएगी जब मतदान होगा तब। क्या दिल्ली में इसका नजर आएगा सर? मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जागरूक है और अभी जब मतदान होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को परिणाम से सबक सीखने का मौका मिलेगा। झारखंड में भी जनता ने करके दिखाया। अच्छा, मानते हैं कि दिल्ली का जो चुनाव होगा नागरिक संशोधन बिल में बीजेपी की परीक्षा होगी, ये सब माना जाएगा इनका नियम? हम आप इतने सवाल पूछ चुके हो, हमें ये बता दो, हम नहीं जानते हैं सीएए का आसाम में क्या असर पड़ा है? क्या आसाम के लोग जो चाहते थे वो हुआ क्या? क्या उन जनता के साथ भेदभाव नहीं हुआ? और फिर सीए ला करके इतना बड़ा भेदभाव कर दिया कि हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दी। क्या नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट क्या चीज होती है, कभी सोचिए आप। और आज मैंने खबरें पढ़ी हैं अखबारों में कई जगह की, फरकाबाद में जो अखबारों में छपा है, आपके साथी किसी ने छापा होगा कि बाबा लाइन में, पिता लाइन में और बेटा लाइन में वो अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। अरे हमसे कोई पूछेगा तो हम नहीं बनवा पाएंगे, कहां से बनवाएंगे? और जो लोग गांव से आए हैं, आप में से कुछ लोग गांव के होंगे, आप गांव वालों से पूछिए क्या उनके घर के कागज हैं उनके पास। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं, इसलिए सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। एनआरसी, सीएए और जो नई व्यवस्था एनपीआर है वो गरीब के खिलाफ है, वो गरीब किसी जाति धर्म का होगा उसके खिलाफ है। और बंबई से खबरें आ रही हैं, अखबारों में छपा है कि वहां पर सर्टिफिकेट बनाने के लिए 20,000 10,000 कर्मचारी पर हैं। उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि एक महीने के अंदर दो दो सचिव हटा दिए गए, और आज कुछ अखबारों ने उस बात को कोट भी किया है। जैसे कि आपने अभी बताया कि मृतकों को हमने जो भी अपने यहाँ से दिया है 5,00,000 रुपए दिया है, लेकिन ये आपने महसूस किया कि घायलों के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार में नहीं है, लेकिन मैं अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से घायल लोगों से अस्पताल में भी मिले, समय समय पर उन्होंने अपनी तरफ से मदद की है, मैं पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उन घायल लोगों की भी मदद करते रहे। हम तो सरकार का ट्रांसफर चाहते हैं, कहां वीसी का ट्रांसफर? वायलेंस में जो लोग आरोपी हैं इनकी क्या मदद करेंगे? इसकी जो आरोपी है, अब सरकार में आने के बाद तो हम तो मुख्यमंत्री जी से सीखे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी के केस वापस ले लिए, हमने भी केस वापस ले लिए। फिलहाल कोई कानून की लड़ाई नहीं है, पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करेगी सरकार अगर आप सत्ता में आते हैं? मैंने आपसे कहा कि जो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सर, कांग्रेस प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही है कांग्रेस को स्टैंड करने के लिए बीजेपी में, और वो कहते भी कि 22 के इलेक्शन में हम कॉम्पिटिटर हैं बीजेपी के, तो आप अपने आप को कहां मानते हैं 22 के इलेक्शन? हम तो है ही नहीं कहीं, हम ही नहीं, हम मान ही नहीं रहे अपना। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और आप भी जिस मोहल्ले में रहते होंगे वहाँ अभी भी लैपटॉप चल रहे होंगे, और कभी नवीन मार्केट गए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा कि अरे यही नवीन मार्केट जैसा विकास कानपुर का हो जाए। अभी आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, हम आपको भी बधाई देते हैं, उस इंजीनियर को भी बधाई देते हैं, उसकी डिजाइन अच्छी थी। और गंगा साफ करने का वादा किया बीजेपी ने, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई। गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 यही कहता है, और जो भी सफाई के लिए तर्क आते हैं वो यही है कि गंदा पानी गंगा में ना जाए। गोमती में करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, और वही मॉडल अगर हर शहर में अपना लिया जाए तो शहरों में नदियां साफ बहेंगी।
क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं, बहुत दूर है जेएनयू से। वहाँ के वाइस चांसलर एक रंग में यूनिवर्सिटी को रंगना चाहते हैं। एबीवीपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई छात्र संघ का, इसलिए एबीवीपी का कोशिश है कि छात्र संघ पे कब्जा हो जाए और उसी से पॉलिटिकल उनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। आज जेएनयू ये जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, और किस लिए कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा चल सके। आज बीसी के ट्रांसफर के लिए जेएनयू मार्च कर रहा है मंडे हाउस तक, आप भी मांग कर। प्रदेश में हर जगह लोग आए थे विरोध में, और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है असहमति साबित करना। हम किसी से सहमत नहीं है, तो हम असहमत हैं तो हम अपना विरोध कर रहे थे। कोई जिला नहीं बचा जहां पर लोग निकल करके आए। हम सरकार से जानना चाहते हैं, जब पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, कुछ जिलों में ही क्यों जाने गई हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? सर एक मिनट, प्रियंका जी भी जाके मिल रही है पीड़ितों से, और आप भी मिल रहे हैं जाकर के, क्या विपक्ष एक मुस्त होकर के लड़ाई नहीं लड़ सकता? की देखिए, पीड़ित परिवारों से सब लोग मिल रहे हैं, और जहाँ तक सवाल मिलकर के है, सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल है पीड़ित और गरीब लोगों की मदद करने का। अभी कोई चुनाव नहीं है, ना उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ना दिल्ली की सरकार का चुनाव। अगले जी दिल्ली में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी को, क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है? आने वाले समय में कानपुर कैसे विकास के रास्ते पे जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। अच्छा एक चीज रहेगी कि मेन विपक्ष उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस है, आप भी मिल रहे हैं पीड़ितों को, न्याय देने की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी मिल रही हैं, लेकिन मायावती जो प्रमुख अच्छी दल है वो अभी फील्ड में क्या लगता है? दल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका यही रहा है, लोगों की मदद करना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना। क्या आपको नहीं याद है कानपुर के लोगों को हेल्थ अस्पताल हो या एम्बुलेंस की सुविधा हो, या आपको और नौजवानों को सुविधा दी हो, तो समाजवादी सरकार में दी गई। किस तरीके से अखिलेश जी, और अब इलाज आप जानते हो क्या हो रहा है। अखिलेश जी किस तरीके की मदद कर रही है पीड़ित परिवारों की? समाजवादी लोगों ने मिलकर के पीड़ित परिवारों को 5 लाख की मदद की, और हमने मांग किया है कि जिस तरीके से लखनऊ में भी पुलिस की गोली से जान गई थी, उसी तरीके से सरकार भी मदद करे। अखिलेश जी दोबारा ये सवाल है, दिल्ली चुनाव में को लेकर बता दीजिए, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव को लेकर के हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, और बहुत जल्दी क्या फैसला लेना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारे, उस दिशा में समाजवादी पार्टी का फैसला होगा। तो ये मान लिया जाए आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे दिल्ली में? देखिए जहां तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सवाल है, उन्होंने काम अच्छा किया है। देश के जो नामी ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपने नाम लिया जेएनयू जामिया, क्या अब वहाँ पर राजनीति हावी नहीं हो रही है, या राजनीति हावी करने की कोशिश की जा रही है? वो छोटे आई उन्हीं पे FIR हो गई। ये पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम पे भी FIR दर्ज हो गई। तो जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे उन पे ही FIR है, जिनकी जान गई उन्हीं पर FIR सरकार कर रही है, तो सोचिए किसके सारे पर होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन परिवारों के साथ है, जिन परिवारों की पुलिस की गोली से जान गई है, उन परिवारों की समाजवादी पार्टी और हम सब मिलकर के मदद कर रहे हैं। सर इनको तो मुलजिम बना दिया है प्रशासन ने कि पुलिस, आप देखिए जेने में क्या हुआ, सरकार आएगी तो ये मुकदमे वापस होंगे क्या? मैंने आपसे कहा कि कानूनी लड़ाई में इन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, और जिनके साथ झूठे मुकदमे लगे हैं उनके साथ। सर सीए के द्वारा से जान गई है, मैंने पहले दिन कहा था कि ज्यादातर लोगों की जान गई है पुलिस की गोली से। पुलिस और प्रशासन चाहता तो जिस तरीके से और जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने अपनी बात कही, उसी तरह से यहाँ भी लोग बात कह सकते थे, लेकिन प्रशासन ने न जाने क्यों ऐसा किया। शायद इसलिए भी किया कि सरकार का इशारा था, जब सरकार ये कहे कि हम बदला लेना चाहते हैं, इनसे बदला लिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो देखिए सदन में क्या कहते हैं, ठोक दो, अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो। हम उनसे ही जानना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, क्या ठोक देने से कहीं कानून व्यवस्था सुधर गई? क्या बदला लेने से लोकतंत्र और मजबूत हो गया? जिन लोगों की जान गई है वो सब गरीब लोग हैं। मैं लखनऊ में परिवार से मिला था, वो गरीब नौजवान था, अपने कामकाज के लिए जाता था, उसके पिताजी मजदूरी करते थे। जिस परिवार से मैं यहाँ मिला हूँ, तीनों परिवारों से, सब
गरीब थे, अपना रोज का कैसे जीवन काटेंगे उसके लिए काम करते थे। कोई पीओपी का मजदूरी करता था, कोई बर्तन माज के काम करता था, उनकी जान गई, वो आंदोलन में नहीं थे। तो यही सरकार की नाकामी रही। इसलिए जहां हम मदद कर सकते हैं मदद की है, वहीं मैं सरकार से चाहता हूं कि अगर पुलिस की गोली से कहीं भी किसी की जान गई है, सरकार ने उन परिवारों की मदद की है, तो सरकार इनके भी परिवारों की मदद करे, क्योंकि ये सब भारत के लोग हैं। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान रास्ता दिखाता है बिना भेदभाव के हम काम करें। इन लोगों की और देश की यही मांग थी कि जात और धर्म, और खासकर धर्म के आधार पर तय नहीं हो सकती नागरिकता। आप धर्म के आधार पर नागरिकता कैसे तय कर सकते हैं? और फिर सीएए का प्रभाव आप आसाम में देखिए। आपने कुछ हिस्सों को नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट बना दिया कि आप पे परमिट नहीं होगा, उन प्रदेशों में नहीं जा सकते आप। इनर लाइन परमिट चाहिए आपको। आपके जब एनआरसी से सूची बनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सूची बनी थी एनआरसी की, आपने एक पक्ष को बचाने के लिए सीए लेकर के आ गए। आप एक पक्ष को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आसाम की जनता यही चाहती थी? क्या आसाम के लोगों की यही मांग थी? आपने आसाम में भी झगड़ा लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट में भी बहस छेड़ दिया आपने, और एनपीआर का डर दिखा करके पूरे देश में बहस छेड़ दी है। लोग लाइनों में लग रहे हैं। आपने इशारा किया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोग लाइन में लगे, और देश और राष्ट्रहित में लोगों ने कहीं किसी तरीके का विरोध नहीं किया। लेकिन क्या प्रभाव पड़ा उसका? आपकी बैंकें डूब गई, लोग पैसा लेकर के भाग गए, अर्थव्यवस्था न्यूनतम पहुंच गई है, पड़ोसी देशों आज आपकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल गए हैं। ये कानपुर शहर है, यहाँ कारोबारी लोग हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापारी हैं। आपने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं जीएसटी लागू होने से क्या व्यापार नहीं बंद हो गया? क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी चौपट है, किसान को आप आय चारगुनी नहीं दे सकते, दोगुनी नहीं कर सकते, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दे सकते। आपने इन्वेस्टमेंट मीट का बहाने कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दुनिया में जिस तरीके से बदनामी हुई है, उसके बाद कोई भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और लखनऊ में जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी, कोई पैसा आपको इन्वेस्ट करने नहीं आया है। और जब बैंकों से कोई लेने को तैयार नहीं है, तो क्या बैंकें करेंगी? इसलिए हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी जात के नाम पे नफरत, कभी धर्म के नाम पे नफरत, और समाज को देश को बांट करके केवल राज करना चाहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही फार्मूला सीख लिया है, इसीलिए उन्होंने गोली चलवाई। और उन्हीं के इशारे पर जो कहा गया कि हम बदला लेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे 300 के लगभग विधायक नाराज हैं। अब वो जानते हैं कि अब अगले 6 महीना उनसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सीए का विरोध समाजवादी पार्टी और देश की जनता कर रही है, चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे वो एमयू यूनिवर्सिटी रही हो। और अब तो सीमाएं लांग गए, देखिए जेएनयू में क्या हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।